बीच समंदर खुले आसमान के नीचे दरिया से मीलों दूर 20 लोगों का पेट भरने के लिए मर्चेंट नेवी शिप पर खाना कैसे आता है आइए पता करते हैं। नाम है काम अनेक, नाम है हमारा शुभम और यूजर नेम है शुभम जे डिड्डा जो कि मोस्ट कोड से इंस्पायर्ड है। काम करते हैं हम एलपीजी शिप पर एज अ थर्ड ऑफिसर। ये एलपीजी शिप लॉन्ग वॉयजेस कर रहा है मोस्टली पैसिफिक ओशन में, हमारा मेजोरिटी टाइम पैसिफिक ओशन में ही निकल रहा है। 20 दिन की सेलिंग के लिए अब 20 क्रू के लिए 3 टाइम का खाना ही बनेगा, लेकिन 20 समंदर में खाना आएगा कैसे? इसके लिए हम चलते हैं चीफ कुक के पास जो कि शिप के लिए खाना ऑर्डर करता है। कंपनी से 20 क्रू की कैलकुलेशन के हिसाब से बजट एलोकेट होता है, उस हिसाब से हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स नॉन और राशन पानी ऑर्डर करते हैं फ्रॉम कंपनी सिस्टम्स। फिर नेक्स्ट कन्वीनियंट पोर्ट से सामान एक सर्विस बोट के जरिए शिप तक पहुंचाया जाता है और हम उसे शिप क्रेन से पिकअप कर लेते हैं। अब सवाल यह है कि पेरिशेबल आइटम्स कब तक फ्रेश रहेंगे? इसके लिए शिप्स पर स्टोर्स होते हैं, प्रोविजन स्टोर्स, फिश रूम, मीट रूम, जिनका टेम्परेचर 0 डिग्री से -20 डिग्री सेल्सियस तक होता है। डेली बेसिस पर इनमें से हम आइटम्स निकाल के कंज्यूम करते हैं और ऐसे होता है हमारा गुजारा। आपके शिप्स पर क्या क्या खाना बनता है?